दोस्तों, मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद बदल गया पीएसएल का पूरा पॉइंट टेबल। मोहम्मद रिजवान की टीम पहुंची टॉप पर। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले पीएसएल का आपका पसंदीदा टीम कौन सा है नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ठीक वैसे वैसे पीएसएल का पॉइंट टेबल भी बदल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में सभी 6 टीमें टॉप 4 में पहुंचने की होड़ में लगी है। दोस्तों, बता दें कि इन 6 टीमों में से सिर्फ 4 टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगी। दोस्तों, कल खेले गए मैच में मोहम्मद रिजवान की टीम ने शाहीन अफरीदी की टीम लाहौर कलंदर्स की टीम को 60 रन से हराने के बाद पीएसएल के पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगा दी। दोस्तों, बात करें पीएसएल के पॉइंट टेबल की तो इस वक्त नंबर 6 पर शाहीन अफरीदी की टीम है, जो अपना पिछला मैच 60 रनों से गंवाने के बाद पॉइंट टेबल में नीचे से टॉप पर है। दोस्तों, लाहौर की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, लाहौर की टीम अब तक पीएसएल 2024 में अपने जीत का खाता नहीं खोल सकी है। ऐसे में लाहौर को टॉप 4 में पहुंचने के लिए बचे सभी मुकाबले को जीतना होगा। वहीं इनके अलावा पीएसएल के पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर शादाब खान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1 जीत और 3 हार मिली है, और वे अब 2 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है। इनके अलावा पीएसएल 2024 के पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर कराची किंग्स की टीम है, जिन्होंने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में उनको जीत और 1 मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार कराची किंग्स की टीम 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर है। दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो पॉइंट टेबल में इस वक्त नंबर 3 पर बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी है, जिसने अब तक 5 मुकाबले में से 3 जीते और 2 हारे हैं, और इस प्रकार बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पर है। दोस्तों, इनके अलावा पीएसएल 2024 के पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर रायली रूसो की टीम क्वेटा गैलेंडर्स है, जिसने अब तक सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 जीते और 1 हारे हैं, और इस प्रकार क्वेटा गैलेंडर्स की टीम 4 मैचों में 6 अंक लेकर पॉइंट टेबल में 2रे स्थान पर है। वहीं नंबर 1 पर मुल्तान सुल्तान की टीम है, जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान है। दोस्तों, रिजवान की टीम ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते और 1 हारे हैं, और इस प्रकार 6 मुकाबलों में 10 अंक लेकर इस वक्त पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका फेवरेट टीम कौन सा है आप हमें कमेंट करने से जरूर बताएं। धन्यवाद।